और सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि यह मरीज को नहीं मिल पाते हैं या फिर डॉक्टर हमें बाहर की दवा लिखते हैं। इस पर हमेशा हंगामा भी होता रहा है और जांच की मांग भी होती रही है और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन भी मिलता रहा है, लेकिन मामला हमेशा जस का तस ही बना रहता है। चलिए, चिकित्सालय में तो आम बात है, लेकिन यहाँ चिकित्सालय परिसर में ही स्थित पोस्टमार्टम हाउस के पीछे सरकारी दवाओं की पूरी खेप ही फेंक दी गई है। खुलासा होते ही हड़कंप मच गया और इन दवाओं में कई ऐसी थी जो एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन कई ऐसी भी थी जो इसी महीने एक्सपायर होनी है या अगस्त सितंबर में एक्सपायर होनी है। फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस के पीछे इन दवाओं के मिलने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने मामले की जाँच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि ये बात सही है, तो इसके लिए जो भी दोषी होगा उसको सख्त सज़ा मिलेगी और उसके कार्रवाई होगी। उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए शासन में लिखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, शासन से आदेश लिया जाएगा कि उनके लिए कार्रवाई की जाए।